चल गया यार. देखो, हैव यू गाइस हैज ईटन समथिंग और नॉट? आई वांट टू आस्क, कुछ खा कर आए हो? हैड यू ब्रेकफास्ट, लंच, एनीथिंग, ब्रंच? ठीक है, नहीं ब्रेकफास्ट और लंच, अगर ब्रंच तो प्लीज शो अस लाइक कि आप भी एक्साइटेड हो जितने हम एक्साइटेड हैं, सो वी कैन मूव फर्दर. प्लीज शो अस योर एनर्जी. आई अप्रिशिएट दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट. हो गया, मैंने okay, that's good. It was amazing. Of course, it was amazing. As he lost his tune or something on his guitar, so it's okay. And moment पे ऐसी चीजें होती हैं. It's okay. It's fine. Come here, guys. It was amazing. His voice is amazing. It's, you know what? एक चीज मैं I want to share with you all something. कि what is his name? What are your name? What is your name? Sorry. Aniket. Aniket lost his scale or guitar range. Any what he called, whatever he called. Uske baad still he was sitting here and like contributing with his friend. This is something which is very generous, or I can say ek curiosity hoti hai na ki aap karte ho, cutsy hoti hai na ki aap apne friend ke liye at least baithe ho. Let me share one experience with which was happened with me in my 11th standard. What happened was like ki I was on the stage. ठीक है, आई अभी के जैसा आई वॉज ऑन द स्टेज और एट दैट मोमेंट मेरा माइक वॉज इट गॉट स्टॉप्ड और सम टेक्निकल इशू हैपेंड. ठीक है, तो देन आफ्टर व्हाट हैपेंड इज कि आई लॉस्ट द लाइन, आई लॉस्ट द फ्लो एंड आफ्टर दैट आई जस्ट गॉट सो लाइक फ्यूरियस और यू कैन से सो. ऐसा वो मोमेंट था कि आई लॉस्ट द माइंड, आई लूज माई माइंड और मैं स्टेज से चली गई. मैंने अपना पूरा फ्लो कंप्लीट नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीटेड दैट स्पीच, आई वॉज नॉट, आई डिड नॉट पार्टिसिपेटेड फर्दर्स ऑन एनी प्रोग्राम. दैट वॉज अ एक सोशल कल्चरल इवेंट था स्कूल का, वो मैंने पूरे कल्चरल इवेंट को स्किप कर दिया बस एक पॉइंट की वजह से कि मेरा माइक खराब हो गया. ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है ना कि यू फील, आप उस मोमेंट पे आप जो होते हो ना बहुत कॉन्शियस हो जाते हो. एंड व्हाट अनिकेत डिड वाज अमेजिंग. ही वाज सिटिंग हेयर, उसका स्केल खराब हो गया, स्टिल ही वाज सिटिंग हेयर एंड कंट्रीब्यूटिंग विद हिज फ्रेंड. दैट वाज अमेजिंग अनिकेत, दैट वाज रियली अमेजिंग. हर कोई नहीं कर पाता, इवन आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी इस ऐसे मोमेंट पे कवर अप कर पाऊंगी, बट दोज हु रियली डू दीज थिंग्स मेरे नज़र में लाइक दे आर वेरी, एक रेंज है उनका. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आई एम हैंडलिंग माय माइक टू कुलदीप एंड तारुषी. सो लाइक तुम लोग को भी इंटरेस्टेड है ऐसे इवेंट्स वगैरह कराने में? हाँ या ना, हाथ खड़े करो. कौन कौन इंटरेस्टेड है बताओ भाई, हैंड रेज कर लो. बस बाकी कोई मन नहीं है? टॉपर बनना है क्या खाली? एंजॉय नहीं करना लाइफ? तो हाथ बताओ कौन कौन आना चाहता है, तो लाइक मैं डिटेल्स बताऊं फिर इंटरेस्टेड हो तो. बस दो लोग. लाइक वी आर एसएससी कमिटी विच परफॉर्म्स इवेंट्स एंड चार साल क्या आगे भी होते रहेंगे, तुम लोग पार्ट ले सकते हो. जो भी इंटरेस्टेड हो सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं, ये नहीं कि आना ही आना है. मन हो, इंटरेस्ट हो, चाहते हो एंजॉय करना अदर देन पढ़ाई, ये नहीं कि पढ़ाई 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 बस चार साल. मैं भी पहले वही सोचता था फर्स्ट ईयर में, बट मैं भी अब कितने क्लब में मुझे भी नहीं पता एंड काम भी होता रहता है, मैं भी मैनेज कर ही रहा हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज. फर्स्ट ईयर में नहीं होता बट आगे हो जाएगा, चिल करो. एंड जो भी इंटरेस्टेड हो नाम दे सकते हो हम लोग को. और
कई इवेंट्स होते हैं जैसे कि दशहरा आ गया, दिवाली आ गया, उसमें भी शॉर्ट इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे होते हैं, रिपब्लिक डे पे होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद पीपल, लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट इस एकेडमिक से ज़्यादा आई हैव लर्नड इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हाउ टू मैनेज विद पीपल, ओके, एंड दीज थिंग्स रियली मैटर फॉर योर रेज्यूमे, ओके, सो कॉन्फिडेंस भी आता है, ऑलवेज वॉलंटियर फॉर सच थिंग्स। I want to add something that what Tarushi said was extracurricular activities. Those who are in BTech, who enrolled in BTech, in CSE, get to know like ki extracurricular activities ke bhi marks milte hain aapko, aapko uske bhi points hain aapke academics mein. To agar aap usme jaate hain like aisa karte hain, let's ask Garima ma'am. Ma'am, milenge na number? Aap bhi to dilwaoge? बिल्कुल, अब तो मैम ने कह दिया। मैम पूरे मिलेंगे या कुछ कटेंगे भी? वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे आपके। इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। नहीं, हमारा क्या होगा, हम अपना पूछ रहे हैं फिलहाल, तो अपना पूछ रहे हैं। अच्छा तब ठीक है गाइस, एक बार मैम के लिए क्लैप कर दो यार, थैंक यू मैम। अच्छा अब ये बताओ, किसी का स्टेज फियर समथिंग कुछ ऐसा है? क्योंकि मेरा तो था बट अब नहीं है। जिसका भी आ जाओ, एक एक लोग आना करके आ जाओ। कम ऑन, ब्लू टी शर्ट चिल करो भाई, इतना मत सोचो, आ जाओ। साइमा बुला रही है, आ जाओ, इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी नहीं बुलाएगी साइमा। एक एक करके, वन बाय वन, वन बाय वन। तुम मेरे को गिराने के मूड में हो क्या? सो व्हाट्स योर नेम प्लीज फर्स्ट? कृष्ण गोपाल। वी हैव कृष्ण गोपाल विथ हर्स राइट है। सो कृष्ण गोपाल के साथ लाइक इट्स नॉट एन इशू, इट्स अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ योर लाइफ कि आप कंफर्टेबल नहीं होते हो पब्लिक स्पीकिंग में, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो वाइल स्पीकिंग ऑन द स्टेज। ये मैं बताती हूँ होता क्या है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है। When I was in my primary schooling in 10th or what, I never knew ki I have that kind of talent in with me ki I can speak on stage. When I was in a boarding hostel, then when I went to for my high school in Varanasi, anyone know Sunbeam in Varanasi? Sunbeam Sun City, it's the best sports school in the country, best sports school in the country. It has amazing extracurricular activity sections. Then I went there and I get to know कि ये कुछ नहीं होता। I am sharing my first experience with you all. I was enrolled in हमारा school, वो नहीं होता assembly function kind of things, assembly का function था, तो मुझे हमारे पास cue cards थे, हमें उसमें से देख के बोलना था, ठीक है। When I went on the stage, I lost my cue card and I started crying on the stage, right in front of like there was a crowd of 1500 students and I was crying on the stage. ये कोई सीन नहीं होता। When I went on the backstage, my admin was Ashish sir. I even though I remember him, he told me कि सायमा जब तुम दो साल बाद यहाँ से जाओगी ना तो you will remember me कि मैंने कुछ तुम्हें सिखाया था। What was that? कि आप एक बार रोगे, दो बार रोगे, तीसरी बार में you'll be like ठीक है यार छोड़ दिया। Fourth time आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे कवर अप कर जाते हो चीज़ें। उन दो सालों में आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट स्कूल। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। यू हैव फोर ईयर्स राइट इन दिस कॉलेज, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वी यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, आर यूनिवर्सिटी कंडक्ट अ लॉट ऑफ फंक्शंस, अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। छोटे फंक्शंस होते हैं स्टेज पे, बड़े फंक्शंस होते हैं, ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दोज फंक्शंस, ठीक है। कुछ नहीं होगा, आप एक बार गिरोगे, यू विल फॉल वंस ट्वाइस थ्राइस, देन आफ्टर क्या होगा, क्या होगा देन आफ्टर? फिर आपको लगता है कि यार आई एम द बेस्ट, रहने दो, आई एम द बेस्ट, मैं जो करके आऊँगी वो सही है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। यू गॉट माई पॉइंट? अगर अभी आपको कोई इशू है एंड यू वांट टू शेयर कि ऐसा कभी एक्सपीरियंस कि आपके साथ हुआ है, आप उसके बाद से आपको स्टेज फियर हुआ एनीथिंग, तो हाउ डू यू नो कि तुम्हें स्टेज फियर है?
लेट्स सी, एक ये भी ऑप्शन होता है कि स्टूडेंट्स जो है स्टेज पे जाते नहीं हैं एंड वो अज्यूम कर लेते हैं कि उनको स्टेज फियर है. ठीक है, आपको पता कैसे चला स्टेज फियर है, कैसे क्या हुआ? स्कूल टाइम में प्लेस के लिए भेजते थे तो मैं आगे जाके छोटे बच्चों को भगा देता कि भाई जा तू, बोलते जाके मैं यहीं खड़ा हूँ. That's funny. ये हम सबके साथ होता है. 90% ऑफ अस फेल्ट द सेम थिंग. हम सब इस सिचुएशन से एक बार वो हो चुके हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. बस ये है कि आपको एक बार माइंड में सेट करना होता है कि यू हैव टू डू समथिंग. ठीक है, आई कैन से वेरी प्राउडली दैट आई हैव ओनली वन सिंगल टैलेंट विच इज़ विथ मी राइट टिल नाउ कि आई कैन स्पीक. आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, किसी के सामने भी खड़ा कर दो, कुछ भी बोलने के लिए बोल दो, मैं बोल के आ जाऊँगी. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वॉट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट मी, हु इज़ गोना जज मी, आई डोंट केयर. लेकिन इसका ये नहीं है कि आप जो है ट्राई भी नहीं करोगे. ठीक है, यू मस्ट हैव ट्राई, यू शुड ट्राई. आप एक्सप्लोर तो करो यार, आप एक्सप्लोर करो, आप जाओ, आप चीज़ों को देखो. ठीक है, हम अब एकेडमिक्स और करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत डिफरेंस होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत डिफरेंस होता है. एकेडमिक्स में क्या होता है ना कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, दोज हु आर गुड स्टूडेंट्स, फ्रंट बेंचेस, वो अच्छा कर जाते हैं, उन्हें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है. बट जो करिकुलर एक्टिविटीज़ में होता है ना कि यू हैव हुआ था लाइक व्हेन आई वाज अ फ्रेशर. ओके, सो लाइक आई एम लाइक रियली इंटरेस्टेड फॉर फैशन काइंड ऑफ स्टफ. सो लाइक आई एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर द सिंटिलेशन क्लब. ओके, फॉर द ऑडिशन. एंड आई वेंट देयर वेयर ऑडिशन वॉज गोइंग ऑन इन द बॉयज़ हॉस्टल. लाइक दिस इज अ ट्रू स्टोरी. I took my friend also with me. Sumati is her name. We went there and I lost my confidence after seeing other participants. I was like, no, मैं nervous हो गई कि नहीं मैं नहीं दे सकती ये. Like I don't stand anywhere in front of them. I backed up and like today I'm not a part of it and today I regret कि I should have tried once. But like today I am standing here because एक ना एक दिन तो यू नो वॉट, बस एक स्टेप लेने की देरी होती है. यू जस्ट नीड टू टेक दैट स्टेप एंड दैट वन स्टेप विल डिसाइड योर होल डेस्टिनी, योर होल एक्सपीरियंस विद द यूनिवर्सिटी. एंड लिटरली उस दिन मैंने ऑडिशन नहीं दिया बट अभी आई एम समवेयर बिकॉज आई टुक वन स्टेप आफ्टर दैट. ओके, सो इट्स जस्ट वॉट यू ऑल हैव टू डू इज टेक दैट स्टेप एट द राइट टाइम. ओके, सो अब किसी को है स्टेज पे, चला गया सबका? यस और नो? स्टिल वाना, इज स्टिल एनी वन ऑफ यू वाना शेयर और आस्क समथिंग? यू कैन, या यू कैन प्लीज कम हियर. सो I had a very bad stage. Okay, first introduce yourself. Okay. Okay. Fine. This is the third time I'm introducing it's myself. It's okay. It's okay because most of us like just came, so it's okay. So my name is Ayush Kumar Sinha, and I am from the city of Varanasi, and I studied in the R International School. So wait, huh? So I had a very bad stage fear, class 7th tak, and. So what happened was I had in class 7, I came in class 7th, I had a class teacher and he was also the coordinator of the activities in my school. So once he asked me if I wanted to participate in a debate activity, and I had a very bad stage fear. So I was like, no sir, mere se to nahi ho payega kyunki nahi wahan to khada hi nahi hua jata hai, ye to nahi ho payega mere se. But like he was like, nahi nahi, hum sikhayenge, hum batayenge kya karna hai wagera wagera. So I went there and लाइंस वगैरह प्रिपेयर की, याद कर ली क्योंकि क्या पता भूल गया वगैरह. एंड मेरी बारी आई स्टेज पे खड़ा हुआ एंड लाइन तो चलो भूल गई वो अलग चीज़ है, मैं वहीं पे बेहोश हो गया था. और फिर मतलब ऑलमोस्ट मैं पीछे से होता है बैठ गया, मैं अपने चेयर पे ऐसे नहीं बोला गया मेरे से. फिर बट फिर उस दिन ये हो गया कि यहाँ से तो इसको तो ख़त्म करना है, अब कैसे भी करके इसको ख़त्म करना है. एंड डेढ़ दो साल लगा एंड नाइन्थ में आई वेंट टू द इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच वॉज हेल्ड एट सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ. एंड उसके बाद से तो फिर गाड़ी पीछे घूमी ही नहीं. एंड आई राइट नाउ अभी ये है कि
कंटेंट हो ना हो, कुछ हो ना हो, बट अगर किसी ने बोल दिया बोलने के लिए तो फिर आई कैन गो एंड स्पीक एनी वेयर एंड अबाउट एनी जस्ट अबाउट एनी थिंग. थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है भी तो. सो दैट्स माई जर्नी. थैंक यू. सी वॉट ही एक समरी. या श्योर. आई बिलीव कॉन्फिडेंस इज कम्फर्ट कम्स विथ रेपिटेशन. सो रिपीट एंड देन इवेंचुअली यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. थैंक यू. बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वैसा हो गया बहुत लोगों के लिए. सो अब थोड़ा इन्जॉय करें. हाँ ठीक है. अब सब बोल रहे हैं कि यस मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि डू नॉट कॉल मी मैम. यू कैन डायरेक्टली कॉल मी साइमा इट्स कूल. ठीक है. सो एनी सॉरी दीदी. ओके या इट्स फाइन. दीदी बहन साइमा एनीथिंग. ठीक है. So we are gonna call Shivam for his dance performance next. So where is Shivam? Can we have a huge round of applause for Shivam? He takes a lot to dance in front of others. So please have a huge clap for Shivam, please. Actually, I have a point. Okay. See, as ma'am said, ki we have to maintain the decorum of our class or university. So, but we have to enjoy also. The next thing is ki yesterday who was not here, unko ye batana chahti hoon ki three boys participate in a Being Shah Rukh talent or event where all of the three performed for Garima ma'am. Theek hai. Aaj jo hai, performed for, gave their pickup line for Garima ma'am. Now today Aachal ma'am aaj jo hai ready hoke aayi hai and she is right here with us. So first of all have a huge round of applause for ma'am and then I want Shivam to perform for Aachal ma'am. Okay, are we ready guys? Are we ready? I'm not like I want you all to make some noise for yourself. Are we ready? So Shivam, are you ready? Okay. अभी कोई ब्लूटूथ था ना जो अभी कनेक्ट हुआ है. ब्लूटूथ से नहीं स्पीकर है ना. Okay, as they are covering with our speaker. So anything else guys? Anything? Maintain that energy. Maintain that energy. He is going to perform for Aachal ma'am for sure. It will take a bit of a minute and all. किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्या करने में कुछ? और कोई इंटरेस्टेड है? कुलदीप मस्ट हैव दिस वन. मेरे लिए ही बना है. आई हैव अ लाउड वॉइस तो ये मेरे लिए बना है. आई एम सेइंग कि और कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या कुछ करने के लिए? एनीवन एल्स हु इज इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग समथिंग फॉर आवर मैम फॉर आवर फैकल्टीज एनीवन एल्स? इंप्रेस कर लो भाई आगे फायदा रहेगा मार्क्स मिल जाएंगे. हमें इंप्रेस करके कोई फायदा नहीं है. वी आर गोइंग. ठीक है. तो यू हैव टू इंप्रेस. कम 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 कम
Okay. कुछ भी कर सकते भाई, okay, शायरी poem. For this man. What is your name? Introduce yourself. Hi guys, Om Ojha नाम है हमारा और नहीं it, everyone needs this confident. नाम है हमारा ठीक है. देखो okay. गाना वाना गाते नहीं, बाथरूम में कभी कभार ऐसे गुनगुना लेते हैं. बाथरूम सिंगर है भाई. तो बस व्हाट आर यू गोना परफॉर्म टुडे? पुराना गाना गा दे, दिलबर मेरे. ओके हाँ, ही इज गोना सिंग कौन सा? दिलबर. दिलबर मेरे. दिलबर मेरे. ओके सो क्लैप फॉर हिम गाइस. ठीक है. So, ये बताना इसने ये शेयर कुछ करना चाहता है दैट इट्स हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज इन हिज ओवर लाइफ टाइम. सो प्लीज गाइज अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस, अप्रिशिएट हिज एफर्ट. हु इज स्टैंडिंग हियर, प्लीज क्लैप फॉर हिम प्लीज. Are you ready, Om? Okay. In 3, 2, 1, he's gonna start. So, 3, 2, 1. Dilbar mere, kab tak mujhe aise hi tadpaoge? Main aag dil mein laga dunga wo ke pal mein pighal jaoge. दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे. एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा. ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे. Okay, then you have a great voice actually. He doesn't seem like a bathroom singer, हाँ? किसी को लगता है bathroom singer है? वो भाई. साइमा, साइमा रही. है भाई, हाँ है. So another, we want one another song please. One more. बेकरार करके. Is this okay? Break bekarar karke is okay? You all are ready for it? Yeah, I am not seeing any energy from you all. Please guys, thoda energy dikhao ki samne wala banda jo perform kar raha hai use bhi maza aaye. Even I feel ki hum yahan baithe hain crowd mein. Okay. Thank you. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. देखिए वो काली काली बदलियाँ, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं. चोरी चोरे आके शों की बली बिजलियाँ, आपकी अदा चुरा न ले कहीं. यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. It was amazing. Actually, definitely it was amazing. हाँ और गा दो, एकदम गा दो. देखिए गुलाब की वो डालियाँ, बढ़ के चूम लेना आपके कदम. देखिए गुलाब की वो डालियाँ, बढ़ के चूम लेना आपके कदम. खोए खोए भंवरे भी हैं भाग में, कोई आपको बना न ले सनम. बहकी बहकी नजरों से खुद को बचाइए,
आपको हमारी कसम लौट आई है, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। ओके दिस वॉज अमेजिंग, सो वी आर रेडी विथ आर सेटअप नाउ। सो शिवम आर यू रेडी, कैन वी स्टार्ट? सो हाउ आर यू गाइज एक्साइटेड, प्लीज लेट मी नो हाउ आर यू एक्साइटेड। ओके सो शिवम प्लीज कम ओवर हियर एंड लेट अस एंजॉय योर परफॉर्मेंस। Ready Shivam, please. It's okay, Shivam is like, मैं उतना अच्छा डांस नहीं करता हूँ, but it's totally fine. आपके अंदर अभी we were talking about this only, कि you need to have confidence in yourself. आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? No one will gonna remember कि आपने आज क्या करा, just enjoy your day, enjoy your college life. Please start Shivam. Okay, in 3, 2, 1, okay? Are we ready? Tarushi ready? Music ready? Okay, 3, 2, 1. Guys, 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 थोड़ा कम उसमें लिमिट है। Guys, guys, I told you earlier. थोड़ा डेकोरम, डेकोरम, and enjoy. The Bluetooth device is ready to pair. कोई ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। एनीवन हु इज गोना हु वांट्स टू ज्वाइन प्लीज कम ओवर हियर। एनीवन आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। नॉट मोर देन वन। दो लोग आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। यस यस गाइस प्लीज मेंटेन द डेकोरम और एल्स आई विल स्टॉप इट प्लीज। Please, please, please maintain it. We have a teen section right here. Come on, guys. Enjoy, but don't shout. Enjoy. सीट पे भी खड़े हुए डांस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, स्पेस है इतनी, दो तीन लोग डांस कर लोगे। बोलिए
बस 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 शिवम थैंक यू This is amazing, guys. This is amazing. I loved it. बंद कर दो. धीरे-धीरे बंद कर दो. Okay. Okay, guys. Okay, that is huge. That is very huge. Please, Shivam, come here. It needs a lot of confidence to perform.